सहसा नाम का एक गांव जो कि यूपी में पड़ता है, वहां पे अजीब अजीब घटनाओं के बारे में हर कोई जानता है। पूरव एक ऐसा शख्स जो कि काफ़ी ज़्यादा यंग था और इन चीज़ों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता था। वो अपने दोस्तों से अक्सर कहा करता था कि देखो, इन चीज़ों पे भरोसा मत किया करो, क्योंकि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ वक्त को बर्बाद करने वाली चीज़ें होती है। ये चीज़ें होती नहीं है, ये सिर्फ लोगों को भ्रम में डालती है, और अक्सर अपने दोस्तों के सामने बोल बोल के अपने आप को ऊँचा दिखाता था। एक समय सहसा गांव का ही एक शख्स जो कि अब दिल्ली में रहता था, उसने पूरव को कहा कि अगर तुम में इतनी हिम्मत है और तुम नहीं मानते हो तो एक बार तुम सहसा जाओ और वहां जाके रात के 12 बजे एक रोड है, उस रोड पे चल के दिखाओ। अगर तुम ये कर लोगे तो मैं मान जाऊंगा कि जो भी तुम कह रहे हो वो सही है। ये सुनने के बाद पूरव जो है वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में आ गया, काफ़ी ज़्यादा एक एनर्जी आ गई। उसने कहा कि ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं जाऊँगा। अगले ही दिन उसने ट्रेन पकड़ी और दिल्ली से यूपी का सफ़र तय कर लिया। यूपी जाने के बाद सहसा गांव में गया, जो कि सहसा गांव में पहुंचते ही उसको कुछ ना कुछ फीलिंग आई, जैसे कुछ नेगेटिव वाइब आई होगी। सहसा में ही पूरव के दोस्त के चाचा रहते थे, तो पूरव उन्हीं के यहाँ जाके ठहर गया। उसके चाचा ने उसको अक्सर चीज़ें बताई कि देखो, रात को बाहर मत निकलना, यहाँ पर कई सारी चीज़ें घटनाएँ होती रहती हैं। एक लड़की जो कि बहुत साल पहले यहाँ पर मर गई थी, आज वो जो है कई लोगों को दिखी है, तो प्लीज़ बाहर मत जाना। लेकिन पूरव ने किसी की बात नहीं मानी। ठीक 11:30 बजे वो घर से चुपचाप से बाहर निकला और रोड पे अकेला चलने लग गया। तभी उसने सामने देखा कि एक चमकती हुई कोई चीज़ उसकी तरफ देख रही है। पहले उसे लगा कि शायद कोई जानवर होगा, इसलिए उसने अपने आप को पीछे हटाया, लेकिन फिर उस चमकती हुई आँखों ने पूरव की तरफ आवाज़ लगाई और पूरव के नाम से लगाई। उसको लगा शायद कोई जान पहचान का आदमी होगा जो कि पूरव को बुला रहा है, लेकिन पूरव को तो वहाँ पर कोई नहीं जानता था। लेकिन पूरव अपने आप को रोक नहीं पाया। जब वो वहाँ पर जा रहा था तब उसने देखा एक औरत जो कि वहाँ पर खड़ी है, जो कि काफ़ी जवान से दिख रही है, लेकिन उसका चेहरा बहुत ज़्यादा झुर्रियों से है, जैसे किसी ने उसका चेहरा जला दिया हो। उसकी आँखें अभी भी चमक रही है और उसने सफ़ेद रंग का, पूरी तरह से सफ़ेद रंग की चीज़ें पहनी हुई है। ये देखने के बाद पूरव थोड़ा घबराया, लेकिन वो पीछे मुड़ा नहीं, वो बल्कि और आगे गया। जैसे ही वो आगे गया, उस औरत ने जो है पूरव की तरफ हमला कर दिया और पूरव के गले पे एक ऐसी जगह पर काटा जहाँ पर एक नस जाती है, जहाँ पर पूरव वहीं के वहीं अपने शरीर को छोड़कर चला गया। पूरव की ये हरकत ये इस बात का सीख बनती है कि कई बार ओवर स्मार्ट आपको लेके डूब सकता है।